नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने किसी भी पुराने फोटो से एक परफेक्ट वीडियो स्लाइड शो आप कैसे बना सकते हैं विद म्यूजिक के साथ, यानी कि म्यूजिक अपनी पसंद का भी आप उसमें लगा सकते हैं। मेरे साइड में भी यहाँ पर कुछ स्लाइड शो आपको नजर आ रहे होंगे चलते हुए, इसके अलावा इधर भी आ रहे होंगे और मेरे पीछे बहुत सारे स्लाइड शो भी आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन से ये वीडियो एडिट करते हैं तो सामने वाला जो भी आपके वीडियो को देखेगा उसको लगेगा ही नहीं ये वीडियो आपने एडिट किया, ऐसा लगेगा कि आपने इस वीडियो को किसी प्रोफेशनल से एडिट कराया है। तो आइए देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल। इसके अलावा खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो थीम्स वगैरह है वो इतनी ज्यादा हाईटेक है। इसके अलावा आप इसमें जो ट्रांजिशन वगैरह देते हैं, इसके अलावा अपना टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल डालने का जो तरीका है इसमें बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में भी नहीं है, यानी कि इसके जो टाइटल है आप एडोब प्रीमियर प्रो के थ्रू लगा सकते हैं। इस तरह के टाइटल ज्यादातर एडोब आफ्टर इफेक्ट वगैरह में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो टाइटल आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आप देख रहे हैं एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है एडिटर का, दूसरा है कैमरे का, तीसरा है स्टूडियो का, चौथा है ट्रिम का, पांचवा है इफेक्ट का और छठा है फीचर्ड का। तो हमें क्या करना है, अगर वीडियो एडिट करना है तो हमें सबसे पहले एडिटर में जाना है और जैसे आप एडिटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आपको कोई भी अपनी जो भी इमेज आप इसमें इम्पोर्ट कराना चाहते हैं वो यहाँ से करा लीजिए। तो यहाँ से कोई भी 5-6 इमेज मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करा लेता हूँ, एक ये, दो, तीन, चार, पांच। तो मैंने यहाँ पर केवल 5 इमेज ले ली हैं और मैं यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपकी जो फुटेज है वो यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी थीम दी गई हैं, 70-75 के आसपास की यहाँ पर थीम है और एक से एक सुपर क्लास थीम है जो कि आपको नॉर्मल किसी भी वीडियो एडिटर में नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पर एक थीम अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलोवीन की जो थीम है वो अप्लाई हो गई है ऑटोमेटिक। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर हीरोज़ की थीम है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये थीम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप किसी भी थीम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर थीम आपको देखने को मिल जाती हैं, 60-70 थीम यहाँ पर अवेलेबल हैं और एक से एक कमाल की। अगर आपने इसमें से कोई ऐसी ऐसी थीम यहाँ पर है कि आपने कोई भी अप्लाई करके अपने वीडियो को पोस्ट कर दिया तो लोग पूछेंगे यार इसको एडिट किसने किया, मैं आपको एक और थीम दिखा देता हूँ। यहाँ पर फंक स्टाइल एक थीम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो मैंने इसे पॉज कर दिया है। इस तरह की यहाँ पर बहुत सारी थीम है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल, टेक्स्ट वगैरह, म्यूजिक वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक है। अगर आप टाइटल बदलना चाहते हैं तो टाइटल बदल सकते हैं, म्यूजिक बदलना चाहते हैं म्यूजिक बदल सकते हैं। तो मैं आपको आगे की एडिटिंग बता देता हूँ। अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर म्यूजिक पर आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर म्यूजिक पर आप क्लिक करेंगे ऊपर आप देख सकते हैं वॉल्यूम दिया गया है 50% है, इसको 100% कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप म्यूजिक के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव का बटन है, रिमूव के बराबर में एक मेन्यू का निशान है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड मोर म्यूजिक, यानी कि यहाँ से आप और भी म्यूजिक जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा माई म्यूजिक में जाने के बाद आप अपनी गैलरी से कोई भी म्यूजिक यहाँ पर इम्पोर्ट करा के अपने वीडियोज में लगा सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ, फिलहाल मैं कोई म्यूजिक नहीं लगा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ। पहले यहाँ पर एडिट के ऑप्शन में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, यहाँ पर क्लिप एडिट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन डायरेक्शन का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो इमेज के दो इमेज के बीच का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो 1 सेकेंड पर आ रहा है, यानी कि 0.1 सेकेंड में इमेज का जो ट्रांजिशन है आता है और दूसरी इमेज इतनी देर में सेलेक्ट होकर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी इमेज का जो गैप है वो 10 सेकंड तक का कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फोटो के ट्रांजिशन को 10 सेकंड तक का गैप दे सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर तो मैं इसे बैक कर देता हूँ, ये मुझे नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जूम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रोटेट का भी ऑप्शन है, आप अपनी किसी भी इमेज को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं एक और इमेज लगाना चाहते हैं इसी तरह की तो यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ, मुझे कॉपी भी नहीं करनी है।
और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टाइटल, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा स्लाइड करना होगा और यहाँ पर आप इतने शानदार शानदार टेक्स्ट लगा पाएंगे जो कि बहुत बड़े बड़े वीडियो एडिटर में भी संभव नहीं है। तो मैं आपको एक टाइटल यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको इफेक्ट को हमने आखिर लगाया कैसे था। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हिंदी टेक इन्फो, तो मैंने डाल दिया हिंदी टेक इन्फो, ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आ गया हिंदी टेक इन्फो, यहाँ से आप इसे खींच के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट सेटिंग है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको बहुत सारी इमेज की स्टाइल यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉन्ट की जो स्टाइल है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा यहाँ पर और भी इफेक्ट हैं, ये देखिए, जो कि आम वीडियो एडिटर में आपको देखने को नहीं मिलते। ये देखिए बहुत ही शानदार शानदार तरीके से यहाँ पर आप टाइटल एडिट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी थीम है, जो भी आप अपने टाइटल में लगाना चाहें वो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट मिल जाते हैं, जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, आप अपने फॉन्ट की सेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एफएक्स यानी कि इफेक्ट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने वीडियो में कोई स्पेशल इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कीजिए, नहीं लगाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहां से आप जो भी इफेक्ट लेना चाहें वो लगा सकते हैं। देखिए ये यहां पर उल्का पिंड वाला इफेक्ट है, इसके अलावा यहाँ पर रोज़ फ्रेंक का इफेक्ट है, ये लव थीम है, यहाँ पर ये लव अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये है बटरफ्लाई, और ये भी यहाँ पर है शो टाइम, यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लेजेस यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारे इफेक्ट आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं, तो एक से एक शानदार यहाँ पर इफेक्ट मौजूद है। आप जो भी चाहें अपने वीडियो में अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा लीजिए। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे यहाँ पर इफेक्ट भी नहीं लगाने। ये इफेक्ट आपको बड़े बड़े वीडियो एडिटर में भी नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ पर मल्टी म्यूजिक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर अलग अलग तरह की म्यूजिक 2-3 मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ, मैं यहाँ भी नहीं लगाना चाहता, इसे पॉज कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आप अपने वीडियो में कोई स्टिकर भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इसको स्लाइड कर लीजिए, प्लस के निशान पर क्लिक करना है सिंपली। और जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी स्टिकर भी अपने वीडियो में लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप लगाना चाहें अपने वीडियो में लगा सकते हैं। एक से एक शानदार स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जितना बड़ा करके लगाना चाहते हैं उतना लगा लीजिए, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पर इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। मैं बैक कर देता हूँ, मैं ये भी नहीं लगाने वाला यहाँ पर। इसके अलावा इसे रोक देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन का ऑप्शन है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मली जो ट्रांजिशन यहाँ पर ये आ रहा है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यहाँ पर फेड का लगा सकते हैं, ड्रॉ का लगा सकते हैं। एक से एक शानदार यहाँ पर ट्रांजिशन, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पर दे सकते हैं। अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी ट्रांजिशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और कमाल के यहाँ पर ट्रांजिशन भी दिए गए हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन हैं, जो भी आपको पसंद आए वो लगा लीजिए। तो मैं बैक कर देता हूँ, इसके अलावा इसे रोक देता हूँ यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िल्टर का ऑप्शन है, फ़िल्टर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं अपने किसी वीडियो का, तो यहाँ पर फ़िल्टर देकर आप कलर चेंज कर सकते हैं वीडियोज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से एक शानदार यहाँ पर आपको फ़िल्टर देखने को मिल जाता है, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हैं अपने वीडियोज में। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, मुझे बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस ओवर का, यानी कि आप अलग से अपनी कोई वॉइस इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हैं किसी भी वीडियो में, तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर GIF का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे GIF प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, और आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं नेट के थ्रू अपने वीडियो में लगाने के लिए। बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पर GIF आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पर बड़े आसानी के साथ इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैक कर देता हूँ मैं इसे, एक बार और बैक करेंगे और इसे वीडियो को पॉज कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डूडल का ऑप्शन है, ऐड क्लिप का भी ऑप्शन है, यानी कि अपने एक वीडियो में आप अलग से कोई वीडियो क्लिप भी जोड़ना चाहें तो ऐड क्लिप पे जाके आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेटिंग में आप देख सकते हैं डायरेक्शन है, एस्पेक्ट रेटियो है, बैकग्राउंड है, म्यूजिक फेड आउट वगैरह, यहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ, अब इसके इंटरफेस को वापस से समझ लेते हैं। एक
तो दोस्तों यहाँ पर एडिटर के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कैमरे में डायरेक्ट इसी सॉफ्टवेयर के कैमरे से फोटो खींचकर उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडियो का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो वीडियो आएंगे जिन पर आप पहले वर्क कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर माई ड्राफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो, कोई भी वीडियो जिस पर आप काम कर चुके हैं उसको री एडिट कर सकते हैं। किस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो एडिटिंग पे वापस से आ जाएगा, आप उसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। तो बैक कर देता हूँ इसको एक बार। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिम का ऑप्शन है, आप अपने किसी भी वीडियो को यहाँ पर काटना चाहते हैं तो वो यहाँ पर काट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 76 थीम मिल जाती है, यानी कि 76। इसके अलावा यहाँ पर 999 म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल भी 121 डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आप स्टिकर वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।